दोस्तों नमस्कार। सीजी स्कूल पोर्टल पर आज एक नई समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। जैसे ही हम cgschool.in सर्च करते हैं तो इस प्रकार से हमारे स्क्रीन पर पेज नज़र आ रहा है, तो योर कनेक्शन इज नॉट प्राइवेट। अगर इस प्रकार की समस्या आपको भी देखने को मिल रही है दोस्तों, तो आप सीधे बैक टू सेफ्टी ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आप सीधे बैक हो जाएंगे। बैक होने के बाद आपके पास इस प्रकार से सर्च बार ओपन होगा, फिर सर्च बार में आप टाइप कर देंगे cgschool.in। cgschool.in जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आपके समक्ष लॉगिन का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देखिए स्क्रीन में थोड़ा सा सर्वर प्रॉब्लम चल रहा है, इस कारण यह गोल गोल घूम रहा है। ये देखिए दोस्तों आ गया। अब यहाँ भी एक समस्या आ रही है जैसे लॉगिन की, जैसे मैं यहाँ पर लॉगिन करके बता रहा हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों मैंने अपना आईडी और पासवर्ड यहाँ पर फिल कर दिया है। अब यहाँ से मैं जैसे ही लॉगिन बटन पर क्लिक कर रहा हूँ तो यूज़र आईडी और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट बता रहा है। तो आपको भी इसी प्रकार की समस्याओं से जूझना पड़ रहा होगा, यह मुझे अंदेशा है। तो दोस्तों इस प्रकार की अवस्था में आपको क्या करना है, तो आपको फर्स्ट पेज में ही चले जाना है जहाँ पर आपको पासवर्ड बदलने का ऑप्शन नज़र आएगा। तो मैं आपको फर्स्ट पेज में पुनः ले जाता हूँ। ये देखिए तो यहाँ पर जाने के बाद आपको यहाँ पर देखिए पासवर्ड भूल गया, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक नया पासवर्ड बनाने का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप एक नया पासवर्ड बना लेंगे। जैसे यहाँ पर मोबाइल नंबर, जो पंजीकृत मोबाइल नंबर है उसको फिल करेंगे, फिर OTP प्राप्त करें ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उस OTP को आपको फिल कर देना है, फिर एक नया पासवर्ड बनाना है। पासवर्ड में बहुत से साथी अपने मोबाइल नंबर को रखे थे, जो सर्वथा गलत है क्योंकि कोई भी साथी उसमें लॉगिन हो सकते हैं। इस बार आप अपना मोबाइल नंबर के जगह में नया पासवर्ड बना लेंगे। पासवर्ड 8 अंकों से अधिक का बनाएंगे, जिसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और अंकों का प्रयोग करते हुए आप प्रतीक चिन्ह का भी सहारा ले सकते हैं। ये देखिए मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर दिया हुआ है। अब OTP प्राप्त करें ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये देखिए दर्ज मोबाइल नंबर पर OTP भेजा गया। यहाँ से हम ओके कर देंगे। ओके करने के बाद दोस्तों तुरंत हमें यहाँ पर ये सभी जानकारियाँ फिलअप करनी है। तो इस कार्य को दोस्तों हमें 2 मिनट के अंदर ही करना है। ये देखिए शेष समय मेरे पास 1 मिनट 27 सेकंड बचा हुआ है। OTP कंप्लीट करने के बाद आपको यहाँ से पासवर्ड बदले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नोटिफिकेशन आएगा। ये देखिए पासवर्ड सफलतापूर्वक बदल गया, कृपया नए पासवर्ड से लॉगिन करें। तो यहाँ से दोस्तों आप इसी प्रकार आप नया पासवर्ड जनरेट कर लेंगे और नए पासवर्ड से आपको लॉगिन करना है। अब मैं आपको नए पासवर्ड से लॉगिन करके बता रहा हूँ। तो लॉगिन होने के लिए हमें फर्स्ट पेज में जाना होगा। ये देखिए आ गए लॉगिन। अब लॉगिन के ऑप्शन में हमें आईडी पासवर्ड डालना है। तो मैं अपना मोबाइल नंबर और यहाँ पर जो नया पासवर्ड बनाया हुआ है उसको फिलअप करके ये देखिए लॉगिन हो गया हूँ। तो दोस्तों इसी प्रकार आप नया पासवर्ड जनरेट करके सीजी स्कूल की जो समस्या है उसे बड़ी आसानी से दूर कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से जुड़ना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।